तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद की तारीखी और कदीम स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज की तरक्की का जामा मंसूबा तैयार किया है। इस मंसूबे के तहत लाइब्रेरी की इमारत की मरम्मत व तजयनों के अलावा किताबों के डिजिटलाइजेशन का काम अंजाम दिया जाएगा। निजाम दौरे हुकूमत की 131 साल कदीम ये लाइब्रेरी साबिक में आसिफिया लाइब्रेरी के नाम से मशहूर थी, जहाँ 5 लाख से ज्यादा किताबों का जखीरा मौजूद है, जिनमें से ज्यादातर नादिर और नायाब किताबें हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुश्तरीका तौर पर तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है। बताया जा रहा है कि HMDA प्रोजेक्ट में अहम रोल अदा करेगा, जिसके तहत इमारत की मरम्मत और तजयनों, नए फर्नीचर की फरहमी, किताबों के रैक्स की तामीर और अंदरूनी हिस्सों को खूबसूरत बनाने का काम अंजाम देगा। रीडिंग रूम को बहाल किया जाएगा। इन कामों पर तकरीबन 1.80 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लाइब्रेरी की इमारत 72,247 मुरब्बा गज पर मुहित है और इमारत के तहफ़ुज़ के अलावा लाइब्रेरी के अहाते में एक कैफे तैयार की जाएगी और पार्किंग स्पेस में इजाफा किया जाएगा। इस खुसूस में आज हमारे नुमाइंदे अब्दुल मुकर्रम ने लाइब्रेरी के अहाते में मौजूद कामों के कुछ झलकियां अपने कैमरे में कैद की और साथ ही लाइब्रेरी के तमाम झलकियां आपके लिए पेश किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट siyasat.com। सब्जेक्ट है पूरे यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, अरबिक, उर्दू पूरे सेक्शन। कितने कितने बुक होंगे? बोलिए। आपका नाम? संजय। हाँ संजय साहब, यहाँ पर स्टेट लाइब्रेरी आप कितने साल से आते हैं? मैं तकरीबन 12 साल से यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पर किन किन लैंग्वेजों में किताबें हैं? यहाँ पे सर उर्दू टेक्स्ट बुक सेक्शन है, नीचे उर्दू के न्यूज़पेपर्स और रीडिंग्स के सब बुक्स है नीचे, और पीछे टेक्स्ट बुक सेक्शन है और नीचे न्यूज़पेपर रीडिंग्स बुक्स है, और यहाँ पे रीडर सेक्शन है। यहाँ पे सभी बोलने मतलब भाषाओं के, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा और तेलुगु भाषाओं के बुक्स हैं। तो यहाँ पर कोई
आने जाने में कोई दिक्कत होती है? दिक्कत और कुछ भी नहीं है सर, बहुत अच्छा माहौल है। किस तरह से यहाँ पर अगर कोई एंट्री लेना चाह रहा था क्या करना पड़ता है? एंट्री के लिए कुछ भी नहीं, अगर रीडर्स है अगर खाली बुक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पर सिग्नेचर करना पड़ता बुक्स के लिए, और अगर बुक्स घर ले जाना है तो उसके लिए कार्ड बनाना पड़ता है। कार्ड बनाया तो कार्ड के हिसाब से बुक ले जा सकते हैं। तो उसको मंथली कुछ पे भी करना पड़ता? हाँ मंथली सर, उसका कुछ रेंट रहता है, उसका एनुअल फीस है या उसका कुछ फीस है, फीस पे करना। आप कितने साल से आ रहे हैं? मैं यहाँ पे 10-12 साल से आ रहा हूँ सर तकरीबन। यहाँ पर 10-12 साल से आप आ रहे हैं, कुछ यहाँ पर बदलाव दिखा? बदलाव मेंटेनेंस अच्छा दिखा सर, पहले मैं टेक्स्ट बुक सेक्शन में आता था पढ़ने के लिए, अब उसके बाद मैं यहाँ पे ये बुक सेक्शन में आता हूँ। यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया की और के कई बुक्स है, इंग्लिश के और के लॉ के बुक्स है, और इनकम टैक्स के और के बुक्स है। यहाँ पर खदीम अभी इमारत महदूस हो गई, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जरिए नहीं, ये निजामकालीन इमारत है सर जी, बहुत ही पुरानी इमारत है, और बहुत ही बोलने का मतलब स्ट्रक्चर बहुत ही उम्दा स्ट्रक्चर है, वो हिसाब से बहुत अच्छी इमारत है और अच्छे बुक्स अवेलेबल है यहाँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखा सर, और बीच बीच में रिनोवेशन प्रोग्राम चलते रहता है यहाँ पर, तो हुकूमत के हिसाब से और अच्छा बनाना चाहिए। निजाम के बनाए हुए इसते बहुत अच्छे बोलने का मतलब मॉन्यूमेंट्स है पुराने, इसके रखरखाव का ध्यान देना चाहिए।